गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप सभी को यहाँ क्लास में देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू पीपल फॉर ब्रिंगिंग योर पेरेंट्स हियर। सो आप सभी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका आज का यहाँ आने का पर्पस क्या है? क्या आपके बच्चों ने क्या कह के आपको यहाँ पे बुलाया है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? मेरी बेटी आती है यहाँ पढ़ने, मैं तो काम पे जाता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस भी है। जी जी। तो ये बोली के पापा जी हमारी पीएफसी कुछ ऐसी पीएफसी है बेटा? हाँ पीएफसी है हमारी, आपको मिलने चलना है। तो एक इनविटेशन कार्ड लेके आई थी। जी जी। हाँ तो मैं तो उस समय लंच कर रहा था। हाँ। तो मैं बोला कि बेटा आप ही पढ़ के सुना दो, तो इन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया। तो बोली के पापा आपको चलना है, यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिए। मैं बोला अगर ऐसी बात है तो हम जरूर चलेंगे तुम्हारे साथ। बहुत खूब। आई बिलीव दैट यू हैव ब्रॉट द इनविटेशन कार्ड आल्सो, राइट? यस यस। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। क्या और आप में से कोई बोलना चाहेंगे? यस, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मेरे छोटे भाई ने बताया कि कोई मैडम आपसे मीटिंग करना चाहती है, हम बताएंगे क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं इस बारे में, तो इसीलिए आया बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैं तो रोटी बना रही थी। हाँ हाँ। तो ये बेटा कह रहा मेरा कि मम्मी आपसे ना मेरी मैडम मिलना चाहती है, पेरेंट्स मीटिंग होगी, तो फिर मैं इसलिए आ गई। बहुत बहुत रोटी बना के आई मैडम, बहुत काम था। अरे मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब यहाँ अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं जानती हूँ कि समय निकालना अपने बिजी स्केड्यूल से बहुत ही मुश्किल है। सो थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। द पर्पस इज करेक्ट। बेसिकली आप जैसा बता रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं FEA को और बेहतर जानने के लिए, क्योंकि बींग अ पेरेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है फॉर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, राइट? ढाई घंटे के लिए आपका घर बच्चा आपसे अलग है, दूर है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूशन में किस संस्था में वो जा रहा है। इसी के लिए इसी पर हमारी चर्चा होगी आज यहाँ पे। सो ये उसका मेन उद्देश्य है आपको यहाँ बुलाने का। आई होप कि आपको पता है कि हमें यहाँ 1 से 1.5 घंटे तक रुकना पड़ सकता है जैसा कि निमंत्रण पत्र में लिखा था। क्या किसी को कोई आपत्ति है इस चीज से? नहीं मैडम। ओके। क्या आप में से कोई है जो जिनको पहले लीव करना है? अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता हो करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जानकारी दे सके एंड जब भी आप कंफर्टेबल हो आप बता दीजिएगा आपको अगर लीव करना हुआ बिकॉज ऑफ योर जॉब एंड अदर थिंग्स। ओके, ऑलराइट। सो एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू FEA, फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी। आज हम यहाँ जानेंगे कि FEA है क्या, हम करते क्या है, कहाँ से आए हैं और आपके बच्चे यहाँ क्या सीख रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं इस चीज के लिए? थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एवरीवन, सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ कि एक सर्वे हुआ है FEA पर। पहले हमारी ब्रांचेस अर्बन में भी थी बट अब हम रूरल में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या आप में से कभी किसी ने ये नाम सुना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके। नाउ ये एक यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन में है, ठीक है? यहां से कुछ लोग आए थे FEA में जिन्होंने सर्वे किया है। आप लोग ने देखा होगा कि गांव में कुछ लोग आते हैं सर्वे के लिए, जनगणना हो गया या अलग चीजें हो गई, राइट? और वो आके जानकारी लेते हैं। ऐसे ही कुछ सर्वे हुआ था FEA क्लासरूम में जाके, जहां पे कि ये पता चला कि FEA से पढ़ा हुआ छात्र या कोई छात्रा जब FEA से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, ग्रेजुएट मीन्स जब वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जब वो निकलते हैं तो तकरीबन 53 लाख रुपए ज्यादा कमाने के चांसेस हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता हो कि मेरे जीवन में एक आय अगर हम लिमिटेड लेके चलते हैं तो मान लीजिए 10 लाख है, 20 लाख है या फिर 50 लाख है, बट
अगर वही एक स्टूडेंट FEA से पढ़कर निकलता है, पूरा 12 महीने का जो कोर्स करके निकलते हैं या निकलती हैं, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि 53 लाख रुपए 50 लाख में और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। बट ऐसा क्यों, ये सवाल आता है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर FEA से कोई ग्रेजुएट निकल रहे हैं तो क्यों, उनके करियर में क्या प्रोग्रेस होगा और कैसे ये 53 लाख रुपए ज्यादा कमा सकते हैं, ये हम सुनते हैं आपसे और आपके बच्चों से। जी सर, आप यहाँ पे जैसे हम सारे आ रहे हैं और हम यहाँ पे जो भी चीजें सीख रहे हैं, फिर चाहे वो हमारे बात जो हमें यहाँ फ्री में सिखाई जा रही है, शायद एक साथ ये सारी चीजें बाहर नहीं सिखाई जाती हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी आगे की करियर में जब हम नौकरी करने जाएंगे तो ये स्किल्स वहाँ ऐड होगा और हम बाकी लोगों से थोड़े से अलग हटके आएंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा ये 53 लाख रुपीस करियर इनकम में ऐड करने में। थैंक यू सो मच रचिका फॉर एक्सप्लेनिंग। आई होप कि अभी आपको कुछ आइडिया लगा होगा, राइट, कि कैसे ये 53 लाख हमारे करियर के वैल्यू में ऐड होंगे, राइट। थैंक यू सो मच रचिका, कैन यू प्लीज पास द चांस टू समबडी एल्स। आई वुड लाइक टू पास इट अर्जुन अरुण। यस, I want to add means like language. Yes. Okay. So we are here to improve our English language and digital learning and typing speed. We have to grow ourselves. Now we are growing in ourselves to improve our languages. Absolutely correct. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला अक्षर जो यहाँ लिखा है वो है English language skill. हालांकि आप ये बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जरूरी क्यों है हमारे करियर में, ये सवाल आप लोगों से है। आप क्यों सोचते हैं कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है? जी मैडम, आप सर बता लें, फिर आप बता लीजिएगा। जी सर। ओके, जैसे कि मैडम मैं भी काम करता हूँ, मैं बाहर जा चुका हूँ, रह चुका हूँ, सो इंग्लिश इज द मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है दुनिया में, तो इस वजह से ये ज़रूरी हो सकती है। मैंने भी देखा है, मैंने 2-3 जगह काम किया हुआ, इंग्लिश में जो बोलते हैं ना उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और जो हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें कम मिलते हैं। मैं खुद ने भी बहुत कोशिश करी थी पहले इंग्लिश सीखने की, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। हाँ, हालाँकि समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत, बट हाँ, बट इम्पोर्टेंट तो बहुत है। एंड जब आप ये बोल रहे थे, आपने कई सारे इंग्लिश में वर्ड यूज किए हैं। जी सर, तो आप अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप भी एक दिन बोलने लग जाएंगे, और अभी आपने बोल के ही दिखाया कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग। थैंक यू सो मच सर। जी मैडम। मैडम, मेरा जो मौसी का लड़का है वो दिल्ली में रहता है, और जब हम उसके यहाँ पे जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करता रहता है, और वो ये बोलता है कि मौसी मैंने ना बस इंग्लिश सीखी थी और बस इंग्लिश से ही मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब वो RJ है वहाँ पे। अरे वाह। तो वो कह रहा है बस मैंने लैंग्वेज ही सीखी थी, तो मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा भी सीख ले, ये भी कुछ कर लेगा आगे, नहीं तो BTech वाले भी घर पे ही बैठे हैं मैडम। बट आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है एंड ही पार्टिसिपेट्स अ लॉट मैडम, बहुत आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, सिखा दिया इनको कुछ, जी ये भी कुछ कर लेगा आगे। कर लेगा मैडम, जरूर करेगा। अभी अगर 19 से 20 दिनों में अगर आप इन लोगों को इस तरीके से इंग्लिश बोलना और कॉन्फिडेंट अगर आप देख पा रहे हैं, तो आई एम श्योर एंड वी ऑल आर श्योर कि एक साल के अंदर और बीच में आपसे हमारा फिर इंटरेक्शन होगा और आप प्रोग्रेस देखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम। कोई और जो ऐड करना चाहे? जी सर। हम तो जब अपने ऑफिस जाते हैं तो हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों सर? क्योंकि मेरे जो ऑफिस के साथी हैं, हमारे मैनेजर हैं, बॉस हैं, वो इंग्लिश में बोलते रहते हैं और मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता था कभी कभी। अब लेकिन ठीक है, अब हमारा लड़का सीख रहा है इंग्लिश, हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत खुशी हुई सर जान के, एंड आई बिलीव कि वंस ही लर्न्स ही विल टीच यू आल्सो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। घर पे वो कुछ बताते हैं कि आज क्या पढ़कर आया है या क्या नहीं पढ़ा है, क्या हुआ क्लास में, किसी के भी? मैं पूछता रहता हूँ इनसे, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो बोलना। अब इंग्लिश बोलना जरूरी है आज के डेट में, तो नौकरी के लिए इंग्लिश जरूरी है, तो हम इनसे पूछते रहते हैं कि क्या सीखा है आज। कभी कभी कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो बातचीत करते हैं हम सेंटेंस में छोटे छोटे। बहुत अच्छा लगा सर जान के, और बहुत जरूरी है आप लोगों का सहयोग। थैंक यू सर। जी जी, होमवर्क के बारे में तो
पूछते हैं, कभी कभी कॉपी भी चेक करते हैं, लेकिन होमवर्क ज़्यादा कुछ उसमें दिखता नहीं है। तो जब पूछते हैं तो वो बोलती है कि होमवर्क नहीं मिलता है, सारा कुछ सिर्फ क्लास में ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, थोड़ा हमें भी बताइए। ये एक रहस्य है, ये हम जानते हैं आपके बच्चों से, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, क्यों होमवर्क नहीं देते हैं। इज देयर समबडी हु वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड? Yes. Yes, Sachin. जी सर, अच्छा बेटे के लिए, अरे जी जरूर सचिन आप बोलिए एंड देन ही कैन आल्सो स्पीक। यहाँ पे हमें काम घर के लिए नहीं देती हैं, क्योंकि जो भी काम है हमारा वो क्लास में ही करना होता है हमें, और हमारे पास कॉलेज और स्कूल का भी काम होता है, तो इसलिए हम कॉलेज का काम घर पे करते हैं और स्कूल का काम यहाँ का काम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। जी थैंक यू सो मच सचिन। यस प्लीज। ऐप करते हैं जिसमें हम पुरानी गतिविधियों को फिर से याद करते हैं कि कल के क्लास में क्या पढ़ा था। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट गिव एनी होमवर्क। तो हम जब आते हैं, ढाई घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, राइट? अगर हम एक घंटे भी घर पे पढ़ लेते हैं तो काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और फिर यहाँ तो हमारे पास 2.5 आवर्स का ऑलमोस्ट समय रहता है जिसमें हम सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर लेते हैं एंड देन वी गो टू आवर होम। ओके, आई होप सर यू गॉट द आंसर, आपको जवाब मिला होगा कुछ। जी शुक्रिया। हालांकि कभी कभी आप आगे आने वाले समय में, अभी तो हमें 20 दिन ही हुए हैं इस कोचिंग को ओपन किए हुए, इस संस्था को ओपन किए हुए, बट अगर आप आगे देखेंगे, वंस वी मूव फॉरवर्ड, यू विल फाइंड कि कभी कभी कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसमें वो आपसे बातें करेंगे, हो सकता हो आपकी सलाह भी लें। तो बहुत सी ऐसी चीजें अभी बची हैं जो हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। मैंने सुना है जो कुछ सर्टिफिकेट मिलता है जब हमारे वो बच्चे पास आउट हो जाएंगे, उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है, क्या वो सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं? जी ज़रूर, इस सवाल का जवाब है हाँ। आप यहाँ का अप्लाई, यहाँ का प्रोवाइड किया गया सर्टिफिकेट आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेबल है। पर उसका क्या यूज़ है ये तो आप और आपके बच्चे ही बताएंगे। इसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मतलब आपके बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आपका आपके बच्चे ने कितने दिन क्लासेस अटेंड किए हैं और क्या क्या स्किल्स गेन की है। तो कल को जब मैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एज एन एम्प्लॉय बेसिकली इंटरव्यूई, अगर मैं लेके जाती हूँ यह सर्टिफिकेट अपने इंटरव्यू में, इट विल एड वैल्यू। पर इस सर्टिफिकेट से ज़्यादा इंसान की स्किल्स बोलनी चाहिए, राइट? ये तो एक पेपर ही है लास्ट में। सो इट विल बी देयर, इट विल बी एप्लीकेबल एंड इट विल वर्क, बट उससे ज़्यादा आपके बच्चे ने जो सीखा है, हम सब ने जो यहाँ सीख रहे हैं, वो वैल्यू करता है। बट इसका जवाब हाँ है। जी सर, क्या आप में से कोई और किसी का सवाल? जी मैडम जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारी तो बिटिया आती है यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या यहाँ का जो माहौल है वो सीखने लायक और हमारी बिटिया यहाँ सुरक्षित रहेगी? बड़ा सवाल रहता है एक बेटी के बाप को, तो मेरा आपसे ये सवाल था। ये पढ़ने आ रहे हैं सब बच्चे 18 साल से, हाँ 18 साल से ऊपर के हैं सर, हाँ 18 साल से ऊपर के हैं, तो क्या यहाँ हमारी बिटिया कुछ सीखेगी भी, या वैसे ही मतलब खेल कूद में अपनी जिंदगी बिता देंगी? बहुत ही सही सवाल है आपका, थैंक यू फॉर आस्किंग सर। अभी तक 20 दिनों से ये आ रही हैं, शी इज़ अ रेगुलर वन, ये रोज़ आती हैं, पंचुअल भी हैं, टाइम पर आती हैं, पूरा सेशन अटेंड करती हैं, क्या आपने इनमें कुछ भी फर्क आपने देखा है? हाँ वैसे तो बहुत फर्क दिखाई दे रहा है मुझे उस दिन से, ये अच्छे से बोलती है, और मुझसे मेरे अंदर आदत है कि जब मैं घर पहुंचता हूं तो बिटिया के साथ ही खाना खाता हूं। अरे वाह। तो हाँ, जब ये मेरे साथ में खाना खाती है तो बताती है कि पापा जी आज मैडम जी बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी, बहुत अच्छे से समझा रही थी, हम सीखते हैं। तो मैं बोला बेटा ऐसी मेहनत से पढ़ा करते हैं, ऐसी सीखा करते हैं। तो बोल रही थी कि आत्मनिर्भर, मैडम जी बोल रही थी कि देखो मैं दूसरे गांव से आती हूँ आपके गांव में, और मैं भी लड़की हूँ और मैं आपके गांव में आती हूँ, तो ऐसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं तो सिखाता हूँ अपनी बेटी को कि बेटा बेटी बेटों से कम नहीं होती, आत्मनिर्भर बनना है, तो ये चीज तो अच्छी सिखा रही हो आप।
थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एफ ई ए. तो आपने जैसा कि चेंज देखा और आप आगे आने वाले समय में भी चेंजेस पाएंगे, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल्स मेल्स सारे हैं एंड लर्निंग एनवायरमेंट सब विजिबल है. इसीलिए सिर्फ इसी चीज़ के वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया है कि आप आइए देखिए कि आपका बच्चा कहाँ जाता है और क्या सीखता है. वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, राइट. दूसरा जिसमें एफ ई ए मदद करता है वो है जॉब सर्च. एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग वेयर एफ ई ए हेल्प्स. सो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड स्किल्स, डेवलप एनहांस स्किल्स सो दैट यू कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट, राइट. नाउ जॉब सर्च, कैन यू ऑल प्लीज शेयर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? जॉब सर्च में कैसे मदद करता है ये? Thank you for raising hand, people. We'll listen to Sudha first, and then Sudha can pass the chance. Yes, ma'am. एक FEA class से हम ये भी सीखते हैं कि हम job किस तरीके से search कर सकते हैं, because कभी कभार क्या होता है कि हमें job ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना होता है. तो हमें बाहर जाने की जरूरत है भी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैम ने हमें काफी सारे जॉब से रिलेटेड ऐसे एप्लीकेशन के नौकरी.com